नमस्कार, आप देख रहे हो रामदल। मैं भरत साधु आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। रामदल चतुर संप्रदाय का बुलंद आवाज बनकर उभर रही है। हमारे चतुर संप्रदाय का, हमारे जितने संप्रदाय है उसमें भ्रम भ्रांतियाँ जो भी है उसको दूर करने की कोशिश, एक मुहिम रामदल चला रहा है। रामदल के माध्यम से हमारे श्री संप्रदाय, हमारे निम्बार्क संप्रदाय, हमारे श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय एवं मध्वा गौड़ संप्रदाय के, हमारे जगत गुरुओं की, हमारे द्वारा पीठों की पूरी तह अपडेट आप तक पहुंचाने का कार्य रामदल कर रहा है। आज हम बात करेंगे श्री संप्रदाय एवं श्री संप्रदाय में से अलग हुए दो संप्रदायों की। आज अभी अभी वर्तमान में हमारे जगतगुरु रामानंदाचार्य जी की 721वीं जब जन्म जयंती महोत्सव ठेर ठेर पूरे भारतवर्ष में हुआ, तब कुछ जगह गुजरात में ज़्यादातर लोगों ने जगतगुरु रामानंदाचार्य जी की जगह जगतगुरु रामानुजाचार्य के फोटो शेयर किए। तो हमारी जो नई पीढ़ी है उनको पता ही नहीं है जगतगुरु रामानंदाचार्य जी कौन है और जगतगुरु रामानुजाचार्य जी कौन है। आज हम उसी विषय को लेकर आप तक, जन जन तक, घर घर तक सनातन सत्य जगतगुरु रामानंदाचार्य जी की पहचान को और जगतगुरु रामानुजाचार्य की पहचान को, दोनों अलग महापुरुष, दोनों अलग संत, एक दक्षिण भारत से निकले और एक उत्तर भारत से, फिर भी आज की हमारी नई पीढ़ी दोनों में जो अंतर है, दोनों को पहचान है, वो पहचान नहीं कर पा रहे। जगतगुरु रामानुजाचार्य की फोटो शेयर कर जगतगुरु रामानंदाचार्य जी बता देते हैं और जगतगुरु रामानंदाचार्य जी को पहचानते ही नहीं हैं। आज हम उसी विषय को आप तक पहुंचा रहे हैं, कौन थे जगतगुरु रामानंदाचार्य जी और कौन थे जगतगुरु रामानुजाचार्य जी। आज हम बात करेंगे श्री संप्रदाय, श्री रामानुज संप्रदाय एवं श्री रामानंद संप्रदाय। अभी तक रामानुज संप्रदाय और श्री रामानंद संप्रदाय, कई जगह हमने चर्चाएं सुनी है कि दोनों संप्रदाय अलग हुए, जबकि दोनों ही संप्रदाय श्री संप्रदाय के अंतर्गत माने जाते हैं। श्री रामानुज संप्रदाय राम को मानने वाला है और श्री रामानंद संप्रदाय श्री राम को मानने वाला है। दोनों का ही मोक्ष का प्राप्त करने का लक्ष्य, दोनों ही विशिष्टाद्वैत को मानने वाले संप्रदाय है। इतना ही कि रामानुज संप्रदाय श्री लक्ष्मी जी को मानते हैं और रामानंद संप्रदाय श्री सीता जी को मानते हैं। ग्रुप हमारे जो भी शत्रु संप्रदाय के चल रहे हैं उसमें यही चर्चाएँ होती है। पहली बात, स्वामी रामानंदा जी के तीर्थ यात्रा से लौटने पर जब श्री रामानंदाचार्य जी की अपनी यात्रा समाप्त करते वापस लौटे थे, तब रामानुज संप्रदाय के उस समय के राघवानंदाचार्य जी, जिन्होंने अपने शिष्यों को श्री स्वामी रामानंद जी के साथ भोजन करने के लिए मना कर दिया क्योंकि यात्रा के दौरान उन्होंने सुआसुत का पालन नहीं किया होगा, उनका यह कहना था जिससे जात पात ना पूछो, कोई हरि को भजे हरीसा हो, यही मतभेद लेके दोनों संप्रदाय अलग हुए। दूसरी बात, विक्रम संवत 1729 कृष्ण पक्ष द्वादशी मंगलवार वृंदावन में जगतगुरु बालानंदाचार्य की अध्यक्षता में विक्रम संवत 1729 में वृंदावन रमण रेती नामक स्थान पर चतुर संप्रदाय रामानंदी, निम्बार्क संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय और मध्वाचार्य संप्रदाय 52 गोत्रों का पुनर्गठन किया गया। और तीसरी बात, सन 1921 शनिवार 21 मई विक्रम संवत 1978 उज्जैन में शाही स्नान वैशाखी पूर्णिमा शनिवार, इस सहिस्त उज्जैन में शाही स्नान वैशाख पूर्णिमा के दिनांक 21 मई शनिवार के दिन स्नान के समय अनुसार महामारी का भयंकर प्रकोप हुआ, इसे हजारों साधु की
मृत्यु को प्राप्त हुए थे। आदेश दिया गया कि उन लोगों को जो भी साधन प्राप्त हुए उसे बाहर भेजा गया। बाद में महामारी से बचने के लिए आगामी सभी सिंहस्थ केवल वैसाखी पूर्णिमा के मुख्य स्नान मनाने का निर्णय लिया गया। इस सिंहस्थ और अभिसमरण घटना के दिनांक 9 मई 1921 के दिन शिप्रा साक्षी में रामानुजी व रामानंदी संप्रदाय दोनों में शास्त्रार्थ हुआ। ये शास्त्रार्थ संस्कृत भाषा में लिखित हुआ। इसमें 11 मई 1921 में रामानंद संप्रदाय विजय घोषित हुआ। तभी से रामानंद संप्रदाय और रामानंद संप्रदाय भिन्न उनकी गुरु परंपराएं अलग हुई। विक्रम संवत 1729 की उसी दुर्लभ संस्कृति की सूची अनुसार हम भी तक गोत्र क्रियावंत करते आए हैं। यदि 1729 की सच माना जाए तो 1921 को सच माना जाए तो 1729 कभी नजरअंदाज किया नहीं जा सकता। प्रथम तो कपोल कल्पित ये जो भी संपत अभी हमने जो बातें की वो सब बात गलत है। बात रामानुजा अनुयायी के अपने संप्रदाय के मूल श्री संप्रदाय सिद्ध करने के लिए कुछ पुस्तकों में प्रस्तुत किया। राघवानंदाचार्य जी रामानुजा संप्रदाय के गुरु परंपरा से कोई संबंध नहीं है। रामानुजाचार्य की मुख्य पीठ तोताद्री में है। राघवानंदा जी की काशी स्थित है। मूल आदि श्रीपीठ विराजमान थे। जातिगत तुष भावनाओं सूत्रासूत के रामानंद जी के अलग करने की बात पूर्णतः अविश्वसनीय है, क्योंकि वैष्णव शास्त्रों में भगवत प्राप्ति पाने के अधिकार सभी जातियों को है और कबीर रैयादास धन्ना आदि काशी में ही उनके शिष्य बने थे। फिर भी राघवानंदा जी ने ही रामानंदाचार्य जी की श्रीपीठ का उत्तराधिकारी घोषित किया था। रामानुज संप्रदाय के ने भी नारायण मंत्र को उद्घोष सबके बिना जातिगत व्यवहार के सार्वजनिक किया था। उनकी गुरु परंपरा षटकोप की जी स्वयं शूद्र थे। फिर जातिगत आधार पर सुवासुत का आरोप मिथ्या चढ़ा गया है। वैष्णव मत के भगवत प्राप्ति की पाने के वाले कोई भी जीव हो सकते हैं। वर्ण संकरता का सर्व स्पष्ट निषेध किया गया है। श्रुति स्मृति वेद पुराण आदि आर्ष ग्रंथों में वचनों को वैष्णव कभी नहीं टालते थे। दूसरी बात, 1729 में बालानंद जी के नेतृत्व में 52 द्वारा का पुनर्गठन केवल वैष्णव ब्राह्मण के अन्य ब्राह्मणों से अलग पहचान सुनिश्चित करने के लिए ऋषि गोसरों को आचार्य पीठ से जोड़ा गया था। समाज के गुरु कुलों को व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अखाड़ाओं को गठन किया गया था, जिसमें विरक्त को ही प्रवेश मिलता था। अखाड़ों में प्रवेश हेतु कोई जाति बंधन नहीं था, लेकिन जातिगत व्यवहार से गृहस्थ जीवन नहीं अपना सकते थे। तीसरे, 1729 में बालानंद जी ने जो स्वरूप गठित किया था वह रामानंदाचार्य जी की परंपरा के शिष्य का था। रामानुजाचार्य की परंपरा बालानंद जी का कोई स्थान नहीं था। बालानंद जी का मठ आज भी अनुभवानंद जी की परंपरा का निर्वहन करता है, जो कि रामानंदाचार्य जी की द्वारा पीठों में अग्रगणी स्थान रखता है। उनका रामानुज संप्रदाय से कोई संबंध नहीं। आज भी हमारे द्वारा पीठ और अखाड़े रामानंदाचार्य जी की परंपरा को ही मानते हैं। कलता जी भी रामानुज संप्रदाय को अवैध कब्जा जो न्यायालय में विचाराधीन है। 1921 में रामानुजाचार्य के अनुयायियों ने दम के कारण रामानंदाचार्य जी के अनुयायी के अपनी विस्मृति होती परंपरा को पुनः स्थापित करने हेतु सत्य को उजागर करने के लिए शास्त्रों को प्रमाण मानते हुए शास्त्रार्थ किया था। रामानुजियों ने पास कोई प्रत्युत्तर नहीं था, इसलिए अपने आप को मूल परंपरा से गुरु परंपरा से सिद्ध नहीं कर पाए और अलग कर दिया गया। हमारी आदि गुरु परंपरा जो काशी पर चली आ रही है सत्य यही है। श्री संप्रदाय से निकली हुई जगतगुरु रामानंद संप्रदाय, जगतगुरु रामानंदाचार्य जी जो उत्तर भारत में पंचगंगा घाट में उनका स्थान है, जगतगुरु रामानंदाचार्य की अभी जो 721वीं जन्म जयंती गई तब कुछ हमारे गुजरात में जहाँ भी युवाओं ने जगतगुरु रामानुजाचार्य को
जगतगुरु रामानंदाचार्य जी बताते हुए उनके फोटो शेयर किए थे। तो आज रामदल आपको सही मार्गदर्शन देने जा रहा है। जगतगुरु रामानंदाचार्य जी अलग है और जगतगुरु रामानुजाचार्य जी अलग है, दोनों अलग अलग प्रांत से निकले हुए, श्री संप्रदाय से ही निकले हुए, दोनों का सिद्धांत एक है, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है, पर दोनों के जो जगतगुरु श्री रामानंद संप्रदाय है वो श्री राम उपासक है और श्री राम तारक मंत्र उनका है, और जगतगुरु रामानुजाचार्य जी है वो विष्णु उपासना करते थे और नारायण मंत्र दीक्षा वो गुरु परंपरा में चलाते आए हुए हैं। तो यही भ्रांतियाँ हमारे समाज में न फैले, हमारी नई पीढ़ी को सत्य सनातन सत्य साबित करने के लिए रामदल एक मुहिम चला रहा है। आज की मुहिम का हिस्सा भी यही है कि जगतगुरु रामानंदाचार्य जी भी अलग है और जगतगुरु रामानुजाचार्य जी भी अलग है, दोनों की अलग पहचान है, दोनों अलग अलग प्रांत से निकले हैं। यह बात हमारे पूरे रामानंदी साधु समाज में स्थापित हो, युवाओं दोनों आचार्यों की सही पहचान करें। आज हम उपस्थित हुए आप तक श्री संप्रदाय और श्री संप्रदाय में से निकले हुए जगतगुरु रामानंदाचार्य जी और जगतगुरु रामानुजाचार्य जी, जगतगुरु रामानंदाचार्य जी का जो संप्रदाय है जगतगुरु रामानंद संप्रदाय और जगतगुरु रामानुजाचार्य जी वो एक अलग संप्रदाय है। चतुर संप्रदाय में जितने हमारे संप्रदाय है उसमें रामानुज संप्रदाय नहीं आता। जगतगुरु रामानंद संप्रदाय, जगतगुरु निम्बार्क संप्रदाय, जगतगुरु विष्णु स्वामी जी संप्रदाय एवं जगतगुरु मध्वागौड़ संप्रदाय, इन्हीं चार संप्रदाय के 52 द्वाराओं को जोड़ते हुए चतुर संप्रदाय का गठन हुआ। यही विषय को हम बार बार आप तक लेकर आएंगे। यही चतुर संप्रदाय के बारे में पूर्णतः माहिती आप तक सभी संप्रदायों की, निम्बार्क संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय, मध्वाचार्य जी संप्रदाय, तमाम आचार्यों की, तमाम द्वाराओं की, तमाम ऋषि गोत्रों की आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारी इस मुहिम को साथ दीजिए। जन जन तक, घर घर तक सत्य सनातन पहुंचाने के लिए आपका साथ सही है। रामदल को ज़्यादा तक शेयर किया जाए, सब्सक्राइब किया जाए और जन जन को जोड़ा जाए। जय सियाराम।